कम से कम 4-5 करोड़ की है, उनके पापा ने हमको बताया। यहाँ पे सारे टॉयलेट है सारे, और यहाँ पे देखो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं लाल किले में आया हूँ। ओ भाई साहब क्या लग रहा है, यहाँ से पूरा व्यू देखिए आप। यार भुला को भुला को इधर देखो तो, आप देखो तो कैसे लग रहे हो। हे गाइज वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी सुबह हो चुकी है एंड अभी हम लोग उठ चुके हैं। हम लोग 5 बजे सोए थे और 9 बजे तो उठ गए क्योंकि हम लोग अभी जाने वाले हैं हमारे जेकी भाई के घर। जेकी भाई हमको कुछ दिखाने वाले हैं अपने गांव के बारे में। जेकी भाई के बाहर घर हम लोग अभी जा रहे हैं, नाश्ता वगैरह अभी बाकी है तो हाँ अभी हम लोग खाएंगे उनके घर पे भी जाके। तो जो भी होता है आज आपको बताएंगे, और आज हल्दी भी है जिब्रान भाई की शादी की। तो चलो अभी सभी लोग हो रहे हैं तैयार, आप पीछे देख रहे हो। एक हमारे साथ लड़की है जो अभी देर पे देरी कर रही है, वरना सारे सारे रेडी है। उन लोगों का कहना है कि हमारे साथ एक लड़की है वो ये है, उसका नाम है रोहिणी। ओ रोहिणी मलिक, मलिक साहब है, मलिक साहब, मलिक साहब दाढ़ी आ रही है दाढ़ी पे। और यहाँ पे हमारा बिलोड़ा क्या कर रहा है देखो, बिलोड़ा इधर आ जा, बिलोड़ा है इधर बैठ। और यहाँ पे देखो हम लोग तैयार हो चुके हैं, तो अभी तैयार हो चुके हैं भाई। और रूम की हालत देखो, रूम की हालत देखो, एक दिन हुआ है अभी 4 दिन और रहेंगे हम लोग। फाइनली गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं नीचे एंड अभी हम लोग जा रहे हैं उसके गांव पे। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं जाकिर भाई का गांव देखने के लिए। हम लोग उनके घर पे जाके आए भाई, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी। और कैसे लगा कैसे लगा? अल्हम्दुलिल्लाह भाई मजा आया ना। हम लोग अभी जा रहे हैं मस्जिद ईदगाह देखने के लिए, और यहाँ पे देखिए ईदगाह। अरे वाह मस्त छे, ताजमहल झूल आ गए। हुजे अब्बास अलमदार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बहुत अच्छी लग रही है, ये जाकिर भाई के गांव की है भाई। कम से कम 4-5 करोड़ की है, उनके पापा ने हमको बताया। बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन किया है भाई। तो गाइज हमने यहाँ पे मस्जिद देख ली है एंड अभी हम लोग दूसरी जगह पे जा रहे हैं। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोग को जैकी भाई लेके आया है ईदगाह पे। ईदगाह का मतलब यही होता है कि जब ईद होती है ना तो नमाज यहाँ पे होती है। और आज हम लोग जो भी गांव विजिट कर रहे हैं, एक गांव का नाम है बादरपुर जो गुजरात से बिलोंग करता है, एंड हम लोग इसीलिए विजिट कर रहे हैं क्योंकि ये जेके भाई का गांव है। तो गाइस यहाँ पे तो मस्त हवा भी चल रही है एंड मेरे पीछे आप ईदगाह भी देख सकते हो एंड जिब्रान भाई की शादी वसूल हो गई भाई। जिब्रान भाई अभी ब्लॉग देख रहा हूँ ना भाई, तुम्हारी शादी वसूल है भाई। हम लोग ने इतनी अच्छी मेमोरी बनाई लास्ट में एंड इतने अच्छे, हम लोग को कोई भी तकलीफ नहीं आई, कोई भी तकलीफ नहीं, छोटी सी भी तकलीफ नहीं आई। सबका इंतजाम आपने पहले से करके रखा था, बहुत अमेजिंग भाई। और आज उनकी हल्दी भी है तो शाम को देखेंगे हल्दी पे भी जाएंगे, मजा आएगा भाई। और यहाँ पे देखो एंट्रेंस देखो भाई, यहाँ से और ये है वुजू खाना। अरे भीड़ नहीं होनी चाहिए। वाह टॉयलेट का देखो, टॉयलेट का उनका टॉयलेट का फंडा देखो भाई, यहाँ पे सारे टॉयलेट है सारे, साथ यहाँ और 50 जैसे टॉयलेट है 50। और यहाँ पे देखो वजू खाना, यहाँ पे हम लोग वजू करते हैं पहले नमाज के पहले और उसके बाद जाते हैं ईदगाह में। और यहाँ पे देखो भाई क्या आर्किटेक्चर किया है भाई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
और यहाँ पे देखो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं लाल किले में आया हूँ। वाह कितना मस्त लग रहा है भाई, अमेजिंग। और यहाँ पे देखो भाई क्या आर्किटेक्चर है भाई, बादलपुर वालों मेरा तो दिल जीत लिया यार, आप लोगों ने दिल जीत लिया रियली में, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जाकिर भाई बहुत तारीफ कर रहे थे कि हमारा ईदगाह ऐसा है, हमारा गांव ऐसा है, लेकिन मैं आज आया ना भाई, अमेजिंग, मैं मान गया यार। और ये लोग देखो ऊपर चले गए हैं, मैं भी ऊपर जा रहा हूँ अभी, चलो। तेरी याद मुन्ना, अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ। देखो भाई हमारे भाई लोग यहाँ पे, ओ भाई साहब क्या लग रहा है, यहाँ से पूरा व्यू देखिए आप ईदगाह का। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कैसा लगा बादलपुर, कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया, बहुत मस्त। कैसा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे अच्छा तो कोई शब्द ही नहीं आपके पास, बहुत बढ़िया, बस इससे अच्छा कोई शब्द ही नहीं। माशाल्लाह, सो एलिगेंट, माशाल्लाह, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, माशाल्लाह, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, माशाल्लाह, माशाल्लाह। गाइस बहुत मजा आया भाई, बहुत, मैं अपने दिल की बातें कितनी बता सकता हूँ, मतलब के जो मैं जितना फीलिंग करता हूँ ना उतना बता ही नहीं सकता हूँ, क्या क्या इतना मजा आया। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा आर्किटेक्चर वगैरह किया है, मेरे पीछे आप देख सकते हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रूम पे, क्योंकि हमारा विजिट यहाँ पे खत्म हुआ। यार बुला को, बुला को। साले ये लोग मिठाई नहीं रहे। भागरी खोल 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 भाई, भाई ऐसी चल भाई, तो गान फटे, चलो भाई। गाइस आपको बहुत दौड़ाया, शुक्रिया। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग रूम पे आ चुके हैं, एंड भाई बहुत मजा आया जाकिर भाई के गांव में, एंड आज शाम को हल्दी भी है। तो गाइस फाइनली अभी शाम के 5 बज चुके हैं, अभी हल्दी का प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोग अभी एकदम तैयार होने के बाद जिब्राइम को कॉल करेंगे, वो हमको लेने के लिए आएंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा शाद भाई एंड रेहान भाई और अर्श भाई तैयार हो रहे हैं, और हम देखो हम तो तैयार ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 90% 10% बाकी है। तो हम लोग अभी जाएंगे जिब्राइम की हल्दी में, मैं तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने वाला हूँ हल्दी में क्या होता है, हल्दी कैसे होती है, वो सब मैं वहाँ पे जाके बताऊंगा, और जिब्राइम भाई को भी मैं व्लॉग में लूंगा, उनको भी हंसाऊंगा। तो फाइनली गाइज अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, कुछ नाश्ता करेंगे ऑब्वियसली, 7-8 बजे तो खाना खाने वाले हैं। तो अभी चलते हैं होटल मार्टेल पे पीछे, एंड यहाँ पे हमारा अर्श भाई क्या लग रहा है सेक्सी मुंडा, यहाँ पे देखो रेहान भाई, यहाँ पे देखो हमारा शाद भाई, सब लोग तैयार होके आ चुके हैं। सो फाइनली गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं जिब्रान के घर पे, वहाँ पे जाके देखेंगे और आज का माहौल देखेंगे क्या होता है कैसे होता है। तेरा फर्स्ट टाइम है? हाँ घर भी पहली बार देखूंगा। हम लोग घर पहली बार देखेंगे, और मैं तो हल्दी भी पहली बार देखने वाला हूँ। हल्दी तो बहुत देखी है। मैं तो हल्दी देखने वाला हूँ, हमारे वहाँ ऐसा रिवाज ही नहीं है भाई। चलो चलो देखते हैं। अभी मैं व्लॉग चालू है, चालू भाई। इधर देखो तो, आप देखो तो कैसे लग रहे हो,
सो गाइज फाइनली अभी मैं रूम पे आ चुका हूँ एंड आज हल्दी के बाद डीजे का प्रोग्राम था लेकिन हो नहीं पाया कुछ कारणों सर, क्योंकि उनके मोहल्लों में कुछ डेथ हो गई थी एक इंसान की, तो उसके कारण नहीं कर सकते ऐसा कुछ मौत शौक, तो उसको मद्देनजर रखते हुए डीजे का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है एंड अभी मैं आ चुका हूँ रूम पे एंड रूम की हालत तो बहुत ही ख़तरनाक हो चुकी है, भयानक हो चुकी है। तो बस इस व्लॉग को यहाँ पे ही एंड करते हैं, तो बस आज के लिए इतना, आई होप आपको आज का अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलती है अगले एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।